Children, today I am going to start new chapter in English, that is chapter 8, and the name of chapter is Who Stole Nicky's Peanuts. आज नया chapter start कर रहे हैं हम English में, जिस chapter का इस chapter का नाम है Who Stole Nicky's Peanuts. Nicky के peanuts को किसने चुराया? चलिए शुरू करते हैं. Nicky the squirrel lives in the hollow of a tree. निक्की एक स्क्विरल है, गिलहरी है, जो पेड़ के होल में रहती थी. हॉलो मतलब होल, उसमें रहती है. शी लव्स पीनट्स वेरी मच. उसे पीनट्स मीन्स मूंगफली, उसे मूंगफली बहुत पसंद है. शी हैज़ ए बिग बॉक्स ऑफ पीनट्स इन हर होम. उसके घर में उसके पास एक बड़ा सा पीनट्स का बड़ा सा बॉक्स है, डब्बा है. She keeps the peanuts in a box safely hidden under her bed. वो peanuts के box को वो अपने bed के नीचे छुपा करके रखती है. Okay? Every day before going out in the morning to play with her friends, Nicky eats one peanut. अपने दोस्तों के संग खेलने जाने से पहले हर morning सुबह में वो दोस्तों के संग खेलने जाती है, तो सुबह खेलने जाने से पहले वो एक पीनट खाती है. वन मॉर्निंग निकी टेक्स द बॉक्स आउट टू ईट अ पीनट बट द बॉक्स इज एम्प्टी. एक सुबह उसने बॉक्स निकाला पीनट्स खाने के लिए, पर बॉक्स तो एम्प्टी है. एम्प्टी मीन्स खाली. बॉक्स क्या था? खाली था. ओह डियर समवन हैज स्टोलन ऑल माई पीनट्स. ओह हु कुड इट बी. I will ask my friend Catty Crow for help. अरे किसी ने तो मेरे सारे पीनट्स को चुरा लिया है. ओह ये कौन हो सकता है? Who could it be मतलब ये कौन हो सकता है. I will ask my friend, मैं अपनी friend Catty Crow से इसके लिए help के लिए पूछूंगा. ठीक है, पूछूंगी. Nicky is very sad. She talks to her friend Catty Crow. Nicky बहुत उदास है, वो अपने friend Catty Crow से बात करती है. Oh Nicky, what is the matter? Why are you looking so sad? Catty Crow पूछ रहा है Nicky, क्या मामला है? Matter means मामला. क्या मामला है? तुम इतनी sad, उदास क्यों दिख रही हो? Catty, someone has stolen all my peanuts. I don't know what to do. किसी ने मेरे सारे पीनट्स को चुरा लिया है, मुझे पता नहीं कि चल रहा कि मैं क्या करूं. डू यू नो हु इट कुड बी. क्या तुम जानती हो कि ये कौन हो सकता है? ये कैटी ग्रो पूछ रहा है. तो ये क्या बोल रही है किटी गिलहरी, गिलहरी की. नो कैटी, help me find out who stole the peanuts so that I can get them back. नहीं कैटी, मुझे तुम मदद करो यह बता निकालने में कि किसने मेरे पीनट्स को चुराया है, ये पता करने में कि किसने मेरे पीनट्स को चुराया है, जिससे कि हम दोबारा उसको वापस पा सकें. ओके, गिलहरी का नाम क्या है? निक्की. ठीक है, तो ये निक्की ये कह रही है निक्की. नहीं कैटी, तुम मेरी मदद करो जिससे कि हम पता लगा सके कि किसने मेरे पीनट को चुराया है और हम उसे वापस पा सकें. ओह निक्की, वेयर डू यू कीप योर पीनट्स. तुमने अपने पीनट्स को कहाँ रखा था? कैटी को पूछ रहा है. निक्की बोल रही है, आई कीप देम इन ए बॉक्स अंडर माई बेड. मैंने उनको एक बॉक्स में रखा था अपने बेड के नीचे. कम ऑन निक्की, कैटीग्रो बोल रहा है, कम ऑन निक्की, लेट अस आस्क द अदर्स इफ दे हैव सीन योर पीनट्स. चलो चल के, कम ऑन निक्की, चलो चलते हैं और हम दूसरे लोगों से पूछते हैं कि क्या उन लोगों ने तुम्हारे पीनट्स को देखा है. जस्ट देन रॉकी रैबिट कम्स आउट ऑफ हिज बरो. तभी रॉकी रैबिट अपने बरो, जहाँ पे वो रहता है ना, रैबिट उसको बोलते हैं बरो, वहाँ से बाहर निकल के आता है. ओह कैटी, आई हैव नेवर. अब देखिए यहाँ पे पहले ये कैटी क्रो पूछ रहा है, रॉकी हैव यू सीन निक्कीज पीनट्स. कैटी क्रो पूछ रहा है कि रॉकी रैबिट से कि क्या तुमने निक्की के पीनट्स को देखा है. नो कैटी, आई हैव नेवर बीन टू निक्कीज हाउस. आई कांट क्लाइम अ ट्री. रैबिट बोल रहा है कि नहीं, मैं निक्की के घर कभी गया ही नहीं हूँ क्योंकि मैं पेड़ में नहीं चढ़ सकता हूँ. ये रैबिट बोल रहा है.
And Rocky hops off to play with Danny Dog. और Rocky Rabbit Dog Danny Dog के संग प्ले करने के लिए कूदने लगता है, मतलब उसके संग प्ले करने के लिए जाने लगता है. और रैबिट क्योंकि हॉप करके चलते हैं ना कूद कूद के, तो वो हॉप्स करके अपने दोस्त के संग प्ले करने चला गया. देन निकी एंड कैटी सी मोंटी माउस. तभी निकी और कैटी ने मोंटी माउस को देखा. निकी व्हाई आर यू सो सैड, मोंटी माउस पूछ रहा है. निकी तुम क्यों उदास हो इतनी. ओह मोंटी समवन स्टोल माई पीनट्स, तो ये बोल रही है निकी. ओह मोंटी किसी ने हमारे पीनट मेरे पीनट को चुरा लिया है. चीकू मंकी ऑल्सो कम्स देयर. तभी चीकू मंकी वहाँ जाता है. वेयर वेयर द पीनट्स, पूछ रहा है पीनट्स कहाँ रखे थे. तभी ये बोल रही है निक्की गिलहरी. दे वेयर इन ए सैक ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड, ये कबर्ड के ऊपर एक थैले में रखे हुए थे. तभी मंकी क्या बोल रहा है. नो दे वेयर नॉट इन ए सैक ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड, दे वेयर इन ए बॉक्स अंडर द बेड. बोला नहीं, ये कबर्ड के ऊपर थैले में नहीं रखे हुए थे, वे बेड के नीचे एक बॉक्स में रखे थे. ये कौन बोलता है, ये मंकी बोल रहा है. ठीक है चीकू मंकी. ओह चीकू यू नॉटी मंकी यू स्टोल निकीज पीनट्स गिव देम बैक. तभी क्रो बोल रहा है ओह चीकू तुम बदमाश मंकी, तुमने निकी के पीनट्स को चुराया है, उनको वापस करो. चीकू गेट्स द पीनट. तभी चीकू पीनट्स लेके आता है. आई एम सॉरी निक्की, आई विल नेवर टेक एनी वन स्टफ अगेन, बोलता है मुझे माफ़ कर दो निक्की, अब से मैं किसी का भी कोई चीज़ नहीं लूँगा, किसी की भी कोई भी चीज़ नहीं लूँगा. स्टफ मीन जो भी सामान कोई रखता है एक साथ, उसको बोलते हैं स्टफ. बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं कभी भी किसी की चीज़ नहीं लूँगा. ओके चिल्ड्रेन, तब ये था आपके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. दिस मच फॉर टुडेज क्लास. टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू चिल्ड्रेन.